अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? अच्छे होंगे, अल्लाह करे आप सब अच्छे हों। और बस जोया बहुत जिद कर रही थी कि बाहर चलो कहीं घुमाने के लिए, तो बस हम लोग अपने घर के पास आए थोड़ा सा घूमने के लिए। बस हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे है, तो हमने कहा चलिए आप लोग से भी शेयर करते हैं थोड़ा सा। तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ गए और जा रहे हैं। रिक्शा हम लोगों ने कर लिया था और जोया बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, इतनी खुश हैं मतलब पूछो नहीं, बस जल्दी पहुंच जाएं फटाफट। और ये देखिए, ये आप लोग से बता रही हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं। बस हम लोग पहुंच गए हैं, थोड़ा सा दूर है हम लोग के घर के पास। अक्सर मतलब हम लोग आ जाते हैं यहीं पे घूमने के लिए, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, बस अपने घर के पास ही है तो आ जाते हैं। रिवर है, क्या बोलते, समंदर का पानी जो कट के आ जाता है ना, साइड से समंदर से आ जाता है थोड़ा पानी, ऐसे बन जाता है लेक टाइप में, तो उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, रिवर ही, चलिए रिवर, हम तो रिवर ही बोल देते हैं इसको, रिवर टाइप में है, मतलब काफ़ी लोग रिवर ही बोल देते हैं, और यहाँ के लैंग्वेज में तो खाड़ी बोलते हैं, अब पता नहीं मुझे। और बहुत पब्लिक है, सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सब अपने अपने बच्चे लेके आए हैं एंजॉय करने के लिए। और अभी चलिए और आगे दिखाते हैं आपको, जोया जा रही हैं। हमदान को भी बहुत मज़ा आ रही थी अपने पापा के साथ, और जोया सबको हेलो बोल रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं जोया, और बार बार बोल रही मम्मा सबको दिखाना, मम्मा ये वीडियो सबको दिखाना। तो मैंने कहा ठीक है चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। और जोया यहाँ पे कुछ तो बता रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, वीडियो शूट कर रहे थे, ये शायद बता रही थी पानी में कुछ तो बहके जा रहा था प्लास्टिक वगैरह, तो कह रही थी मम्मा ये शार्क फिश है। और ये बता रही हैं कि अगर आप लोग को ये सब कैसे लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बता रही हैं देख लीजिए आप लोग भी। बोल रही है आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए ये ब्लू थैली जो पानी में जा रही ना, इसी को बोल रही थी जोया कि शार्क फिश है। शाम का टाइम था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब खुला खुला सा मौसम एकदम। ये देखिए शाम है, शाम का टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आते हैं अक्सर घर के पास में, तो ज़्यादा दूर कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब पास में आ जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं बस चले जाते हैं। जोया को भी अच्छा लगता है थोड़ा सा। और जोया यहाँ पानी में पत्थर फेंक रही है, निशाने लगा रही है, बोल रही देखो मेरा निशाना कहाँ तक जाता है। और ये देखिए ये अपने निशाने लगा रही, बहुत इन्जॉय कर रही थी जोया। जल्दी हम लोग घर चले गए थे, ज़्यादा देर नहीं बैठे थे, बस 30 आधा घंटे तक के बैठे थे, 30 मिनट तक, और फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए। और ये कोई न्यू कपल है, मतलब इनकी नई नई शादी हुई होगी, तो जो रस्म होती है ना पानी में फेंकने का, फ्लावर्स सहरा जो होता है दुल्हन दुल्हा का, वही है, दुल्हन और दूल्हे का सहरा है, इन्होंने पानी में फेंक दिया। ये देखिए इन्होंने पानी में अपना सहरा फेंक रहे। चलिए तो आप लोग एंजॉय करिए, दिखाते आगे भी। जोया बड़ी कंफ्यूज हैं कि पानी में इन लोग क्यों फेंक रहे, बस इनको यही मैं से बार बार पूछ रही थी मम्मा इन लोग पानी में क्यों फेंक रहे हैं, इन लोग पानी में क्यों फेंक रहे हैं। और मैं इनको समझा रही थी बेटा रसम होती है इसीलिए उन लोग फेंक रहे हैं। और इन लोगों ने